नहीं चलेगी, नहीं चलेगा। बोल जोर से, बोल अल्लाह बोल, बोल जोर से अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, एक भंडवलदार की तरह काम करती है। यानी वो क्या सोचती है कि हर चीज़ में हमको मुनाफा होना चाहिए, लेकिन बेस्ट बस मुनाफे के लिए नहीं, नागरिक के सुविधा के लिए चलाना चाहिए। क्योंकि ये कोई कंपनी नहीं है कि जो प्रॉफिट बना के बैठे। क्योंकि क्या है, आज बम्बई में रहने वाले लोग बहुत छोटी छोटी जगह में काम करते हैं, उनका पगार 5, 10, 12 हज़ार के ऊपर नहीं होता है। अगर बेस्ट का प्राइस बढ़ाते रहो, हाँ उसको ऐसी बनाओ, तो आम नागरिक को ये बस कैसे चलेगी। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि नागरिक को कैसे सुविधा दिया जाए, ये सोचते हैं कि इसमें से हमको मुनाफा कैसे मिले। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे रूट बंद कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये रूट में हमको मुनाफा नहीं, लेकिन ये सरकार है कि भंडवलदार है कि वो मुनाफे की बात करता है। सरकार ने बात करना चाहिए तो नागरिक की खुशी की। सरकार कह रही है कि लॉस हो रहा है, हाँ, लेकिन ये लॉस का बात नहीं है। अगर समझ लो कि मैं दादर से विटी जाती हूँ तो मेरा ट्रेन का टिकट 5 रुपया होता है, मैं बेस से जाऊँगी तो मेरा टिकट 15 के ऊपर होगा। लोगों को कैसा परवड़ेगा, ये कैसा परवड़ेगा। तो सरकार क्या मुनाफा करने के लिए बैठी है, हमारे से टैक्स क्यों लेती है, इसमें प्रॉफिट कैसे देख रहे हैं। सरकार प्रॉफिट की कैसी बात कर रहा है। सरकार कोई भी चीज़ चलाता है, अगर कल तुम्हारे वो बोलेंगे कि KM हॉस्पिटल बंद करो हमको लॉस हो रहा है, मतलब क्या है इसका। तो ये मेन मुद्दा ऐसा है कि ट्रांसपोर्ट ये सरकार की जिम्मेदारी है और उसको वो प्रॉफिट नहीं बता सकते। एक बार प्राइवेट कंपनी आ जाएगी, हमारा कुछ कंट्रोल नहीं रहेगा। दूसरा कि आप दिल्ली में देखो क्या होता है, कितने एक्सीडेंट प्राइवेट कंपनीज करती है, कितने लोगों की जान जाती है, पोल्यूशन कितना बढ़ता है, क्योंकि वो कैसी भी गाड़ी चला रही है। चीज़ प्राइवेट होती है ना, तो उसमें मुनाफा कमाते हैं, मुनाफा कमाते हैं, तो वो मुनाफा किसके आधार पर कमाएंगे। मैं जो ट्रैवल कर रही हूँ मेरे से ही वो पैसा बनाएंगे ना। गवर्नमेंट क्यों नहीं मुनाफा कमा रही है अगर वो प्राइवेट कंपनी से कम। हाँ, लेकिन क्योंकि प्राइवेट कंपनी भाड़ा बढ़ाते रहेगी, नागरिक कुछ बोल नहीं सकेगा क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है। जब गवर्नमेंट कुछ करती है तो गवर्नमेंट को हम सवाल पूछ सकते हैं। पर गवर्नमेंट जब प्राइवेट कंपनी अगर मुनाफा उसमें कमा सकती है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कमा सकती। वो बात तो है ही, वो बात तो सही है, लेकिन हमारा कहना है अगर वो मुनाफा नहीं भी कमाए, एक क्या है वो भाड़ा इतना बढ़ाती है कि लोग कम हो जाते हैं तो उससे भी उनका नुकसान होता है। दूसरा है कि जो फीडर रूट्स है, जैसे कि ट्रेन से आसपास के बस्ती में जो बस जाती है वो बस उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने 180 के ऊपर रूट बंद कर दिया है। तो बंद हो चुकी है, बन चुकी है ऑलरेडी, और 72 बंद करने वाले हैं। बंद हो चुके सब बस, कितने रूट बंद हो चुके हैं। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, ये भूख क्यों, ये जुल्म का है जोर क्यों, जोर क्यों, ये भूख क्यों, ये जुल्म का है जोर क्यों, जोर क्यों, ये जंग 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 का है शोर क्यों, शोर क्यों, ये जंग 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 का है शोर क्यों, शोर क्यों, हर एक नजर बुझी बुझी, हर एक दिल उदास, हर एक नजर बुझी बुझी, हर एक दिल उदास, ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो। तो बेस्ट यूनियन कुछ नहीं कर रहा। नहीं नहीं, यूनियन सब कुछ नहीं कर रहा। बेस्ट यूनियन ना, वर्कर साहब अलग अलग यूनियन में बटे हुए हैं। उसमें से एक यूनियन जो है, जो BMC चलाती है, शिवसेना की यूनियन है, वो क्या करने वाली है, वो थोड़ा ही नागरिक का अधिकार देखने वाली है। वो देखते हैं हमारा पैसा, हम अपना पॉकेट तो कैसा भरे। आज ही क्यों आए, 5 तारीख को? नहीं, आज एक्चुअली क्या हुआ था कि एक यूनियन, ये निजी किरण के खिलाफ उन्होंने स्ट्राइक का नोटिस दिया था,
और फिर बीएसटी गई इंडस्ट्रियल कोर्ट में और उन्होंने स्ट्राइक के ऊपर स्टे लाया और निजीकरण के ऊपर भी स्टे दिया है। आज उसका फैसला होने वाला था, इसके लिए आज हमने सोचा कि ये हियरिंग हो चुकी है, अभी चालू है, अभी वापस डेट मिली है 15 तारीख को। 15 तारीख तो आज के मोर्चे के बाद आपका ये तो चालू रहेगा हमारा। हमने ये नागरिक लोगों की बनाई है कमेटी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये चालू रहेगा, क्योंकि हमको चाहिए कि भाड़ा कम होना चाहिए, जो स्टूडेंट लोग ट्रैवल करते हैं उनको भाड़ा कम होना चाहिए, और बहुत सारे जो रूट फीडर रूट जो उसको बोलते हैं उसके ऊपर बसेस चलनी चाहिए, ये मेन बातें हैं। तो बीएमसी कमिश्नर क्या कह रहे हैं अजय मेहता, वो आपकी बात नहीं सुन रहे? नहीं सुन रहे, किसी की बात नहीं सुन रहे वो। तो एक ज़माना था मैं तो बेस से ट्रैवल करती थी ना, हम बेस के अंदर 3-3 स्टैंडिंग लाइन खड़ी होती थी क्योंकि लोगों को परवड़ता था बेस से जाना। अभी देखो एक लाइन ज़्यादा से ज़्यादा खड़ी होती है, इसका मतलब कि लोग कम हो गए ना। तो बेस्ट के कंडक्टर बेस के ड्राइवर आपके साथ खड़े नहीं है? है ना, इसमें शामिल भी हुए हैं। अच्छा है, खड़े हैं। और आपका परिचय? आप? मैं एक स्त्री संगठना से हूँ, मेरा नाम है संध्या गोखले, नारी अत्याचार विरोधी मंच बोल के स्त्री संगठना है, लेकिन मैं एक नागरिक की तरह से ये सब इसमें शामिल हो गई। सार्वजनिक क्षेत्र से खासीकरण रद्द करा, बोलते मुर्दाबाद, निवडणुकीला उधळणबाई बस्ती सत्ता टिकवली, देशाचं भगत मंत्र्या
जगत पित्यात देशात भगत म्हणत चटावल फायद्याला पुढे तळूया निंतला बाई चटावल फायद्याला हलकत आहे सरकार फासिस्ट यांचा कारभार हलकत आहे सरकार फासिस्ट यांचा कारभार जो हमारे जनप्रतिनिधि चुनकर बैठे हैं, मैं कमेटी के अंदर है, महानगर पालिका के अंदर है। 5 साल पहले उन्होंने चुनाव करके महानगर पालिका के अंदर गया था और कहे थे कि हम मुंबई को महानगर पालिका के साथ रह करके हम बचाएंगे, बढ़ाएंगे और मुंबई को सुविधा देंगे। लेकिन आज बड़ी अजीब बात है, आज एक नौकर जिसे हमने रखा है, जो हमारे टैक्स पे उस कुर्सी पर बैठा है, वो नौकर हमारे ये हरामखोरों को, हरामखोर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो इंसानियत के लायक नहीं है। वो सिर्फ वोट मांगने के लिए हमारे साथ आते हैं, लेकिन जब निर्णय लेने का होता है जनता के हित में, तो वो बिल्डर के साथ में रहते हैं, वो कॉन्ट्रेक्टर के साथ में रहते हैं, वो और दूसरे साथियों के साथ में रहते हैं, लेकिन मुंबई के वासियों की जनता को भूल जाते हैं। ऐसे जो हरामखोर जनप्रतिनिधि जो बैठे हैं, वो आज उनके ये नौकर शाह अजय मेहता की गुलामी करने का काम करते हैं। इसका मैं निषेध करता हूं। हमारे वेतन से, हमारे टैक्स से वो अपनी कुर्सी पर बैठा है, हमारा महाव्यवस्थापक हमारे पैसों से, टैक्स से वो कुर्सी पर बैठा है। और उसकी योजना क्या है? उसकी योजना यह है बीएसटी के बसों को धीरे धीरे कम किया जाए, बीएसटी के रूट्स को बंद कर दिया जाए, बीएसटी के कर्मचारियों का वेतन कम किया जाए, बीएसटी के अंदर जो परमानेंट वर्कर है उनकी जगह पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भर्ती किया जाए। ये योजना हमारे अजय मेहता जी लाते हैं, सुरेश बघेला जी उसको स्वीकारते हैं और बेस्ट कमेटी में बैठे हुए हरामखोर नुमाइंदे उस प्रस्ताव को मंजूर करते हैं, उसका निषेध करना चाहिए। तो होता है पैसा कम आता है, सेवा को हम बंद कर देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे बड़े बड़े भाई लोग हैं, सारे लोग कंडक्टर यहाँ पे है, उनसे पूछो कि कौन से सीटर आवास के अंदर हमारी बीएसटी के पास खाली चलती है। आज मुझे खाली नहीं चल रही है, आज क्रोधों की संख्या इसलिए कम हो रही है क्योंकि इन्होंने 1000 गाड़ी रास्ते से निकाल दिया है। और आगे उनका 1200-1250 गाड़ियां बीएसटी की बंद करके निजी ठेकेदारों की गाड़ी लाने का प्रस्ताव है। और ये सब कहेंगे हम मुंबई की जनता के लिए अच्छी सेवा देने के लिए निजी प्राइवेट ठेकेदारों के बसे हम देने वाले हैं। हमारे भारत का इतिहास है, दिल्ली राजधानी का इतिहास है, वहां पे निजी बस सेवा को बंद करने का काम वहां की जनता ने राज्य को सत्य किया। लेकिन महाराष्ट्र की औद्योगिक राजधानी मुंबई में जहां पे बीएसटी का जन्म हुआ, आजादी के पहले जन्म हुआ, महानगर पालिका ने से लिया, आज उस बीएसटी को बंद करके निजी बस लाने का फैसला ये हमारे आयुक्त साहब करते हैं और भारत साहब करते हैं। कल को ये जो प्राइवेट बस के ड्राइवर आएंगे, बसें आएंगी, आज जिस तरीके से बस की बसें एक अपने समय पर चलती है, बस से डेपो से निकलती है, 15 मिनट 20 मिनट का कोई समय होता है, आधे घंटे का समय होता है। वो पूछ रहे थे क्या कल जो प्राइवेट ऑपरेटर होगा वो एक भी पैसेंजर के बिना बस बाहर निकालेगा रास्ते पर? मैं कहता हूं वो नहीं निकालेगा।
कि जो मुनाफा कमाने के लिए आया हुआ है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है जो 20 मिनट में 25 मिनट में या 15 मिनट में बसें चलती है, वो आधा घंटा एक घंटा भी लोगों को रुकना पड़ सकता है।